कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में 8 वर्षीय बालक के साथ कुकर्म करने के 2 साल पुराने मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। सजा के साथ आरोपी पर 37,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। आरोपी रविंद्र सिंह बड़गांव का निवासी है। विशिष्ट लोक अभियोजक धीरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि फरियादी ने 12 जून 2019 को कुन्हाड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उनके 7 वर्षीय बेटे को अज्ञात युवक दोपहर को बहला फुसलाकर मोटरसाइकिल पर बिठा कर ले गया और स्कूल के पीछे ले जाकर कुकर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़गांव निवासी आरोपी रविंद्र सिंह को गिरफ्तार किया था। तब से यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था। 14 गवाहों के बयान के बाद पॉक्सो कोर्ट क्रम 4 कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। सजा के साथ आरोपी पर 37,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। ये वर्ष 2019 का कुन्हाड़ी थाने का मामला था। एक 7 वर्षीय बालक के साथ कुकर्म का मामला, इसमें कुल 14 गवाह के बयान कराए गए, 20 दस्तावेज प्रदर्श करवाए गए और आज माननीय न्यायालय में प्रकरण में सजा सुनाते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास और 37,000 रुपये जुर्माना किया है अभियुक्त रविंद्र सिंह को। मैं विशिष्ट लोक अभियोजक धीरेंद्र सिंह चौधरी पॉक्सो क्रम 4। ये रविंद्र सिंह कहाँ का रहने वाला था, क्या उम्र रही होगी जब इसने गुना किया? बंधु जी एक बार, रविंद्र सिंह ये कुन्हाड़ी थाने के बड़गांव गांव का निवासी है और ये वर्ष 2019 का मामला है, तो इस समय इसकी करीबन 20 वर्ष उम्र रही अभियुक्त। क्या किस तरीके से बेला पुस्ता के लगे, ऐसा कोई इसमें जिक्र किया हुआ है? ये प्रथम सूचना रिपोर्ट में तथ्य आया था कि ये बालक को बेला पुसला कर पैसे देने के लालच में अपने साथ मोटरसाइकिल बिठा कर ले गया और एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसने उसके साथ कुकर्म किया और जिस वजह से बालक के चोट भी आई।